गाइस देखो, कैप्टन अमेरिका की डीसी ये निकालने को कह रहा है मंथन। कैसी पतंग लेके आया है? इसका ऑपरेशन हो सकता है क्या? देखते हैं। चलो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गेम शो, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। गाइस आज मैं उठा 8:30 बजे, आज भी लेट हो गया गाइस, बिकॉज मैं 4 बजे सोया था, वीडियो एडिटिंग अपलोड किया वगैरह, सो लेट हो गया था। ओके, तो आज भी लेट हो गया गाइस, 8:30 बज गए। एंड अब जाता है पहले गर्म पानी पीना। चलो गर्म पानी पी। तो गाइस गर्म पानी रोज़ पीना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है गर्म पानी, सो रोज़ पीना चाहिए। ओके सो गाइस, मिलता हूँ सीधा फ्रेश होके, बिकॉज एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो गए, तो मिलता हूँ सीधा फ्रेश होके। ओके ओके सो गाइस, आई एम रेडी नाउ एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो थोड़ा मकर संक्रांति का माहौल देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके सो गाइस, मैं ऊपर आया तो सब लोग धो रहे हैं छत अपनी अपनी, तो मकर संक्रांति नज़दीक आ रही है गाइस, 2 दिन बचे तो सब अपने छत धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ओके एंड अभी आसमान बादल बहुत है गाइस, बादल बादल बादल। एंड गाइस कल का सीन बहुत ही खतरी रहा हमारे लिए, क्योंकि पहली बार हमने किसी बस को धक्का मारा और वो भी अहमदाबाद में, और गाइस 4 रास्ते पे हमने धक्का मारा और 4 रास्ते पे ही बंद हुई है ऐसे, तो बहुत ही ट्रैफिक हो गया था उसकी वजह से। तो भाई ये गुजरात की सर्विस बस की बहुत ही डल है, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ ये डल सेवा है, आपकी सर्विस कुछ भी अच्छी नहीं है। ओके तो ये ऐसी बस मत दिया कीजिए। तो गाइस कल हमने ऐसे धक्का मारा, कभी आगे से धक्का मारता है तो पीछे ट्रैफिक हो जाता है, भाई फिर पीछे से धक्का मारा तो आगे ट्रैफिक है, ऐसे ही ऐसे धक्का मारते मारते गाइस चालू ही नहीं हुई बस। तो फिर मैंने गुस्सा होकर दूसरी बस पकड़ के फिर इनकम टैक्स आ गया, AMTS में बैठ के इनकम टैक्स आ गया, और फिर कड़ी की बस मिली फाइनली हमें, और घर आते आते करीबन 8:30 बज गए थे गाइस, लगभग 7:30-8 बज गए थे आई थिंक, तो तब मैं घर पहुँचा, बहुत ही लेट हो गया था। हाँ तो ऐसा गया कल का दिन, और जब मैं घर से निकला तब मुझे लग ही रहा था कि कल मेरे साथ कुछ ना कुछ कलेश हो गया होगा, तो मैंने पहुँच गया, अच्छे से पहुँच गया, और फिर मैं फ्लावर शो देखने गया और सोचा कि कुछ हुआ तो नहीं अभी, तो शाम को कलेश हो गया गाइस, बस को थक्का मारते मारते भाई साहब कलेश हो गया। ऐसे तो चलता ही रहता है हमारी ज़िंदगी में वैसे तो। ओके एंड आज का सीन आपको बता देता हूँ गाइस, आज का सीन अब गए जाएंगे बाहर घूमने घूमने, बाजार कैसा है कड़ी का आपको बताएंगे सब। ओके ओके सो गाइस, मैं नीचे आ गया था एंड अभी हम जा रहे हैं रिचार्ज कराने, क्योंकि हमारा रिचार्ज खत्म हो गया एंड ये जग भी भरा के लेके आता है पानी, ये पानी भी खत्म हो गया है, तो जाके आता है बाहर इसको। आ गए अभी चेक कराने और ये देखो, तो भाई रिचार्ज विचार्ज हो गया हमारा एंड अब निकलते हैं जग भरने। ओके तो गाइस हमारा दोनों काम हो गए, अब निकलते हैं फटाफट, जब भी बढ़ा दिया हमने तो निकलते हैं फटाफट गाइस। फाइनली आ गया, फोटा नहीं पार तो लिया। ओके जी हमारा पड़ोसी मंथन। खा के मिलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे एंड हम नानी के घर भी गए थे, और भव्य नहीं था इसलिए हम आ गए, भव्य तो स्कूल गया हुआ था। एंड गाइस हमारे दोनों काम पूरे करके मैं आ गया था वापस,
रिचार्ज का और जग भरवाना था पानी का, वो भी हम भरवा के आ गए। तो अब हमारा खाना फाइनली मम्मी ने रेडी कर दिया, तो खाते हैं और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, कुछ करते हैं। ओके सो गाइस, हमारे आज खाना में बनाया मम्मी ने मक्का साग, राइस एंड रोटी। ओके सो गाइस, सीधा मिलता हूँ पेट पूजा करके। गाइस, खाना पीना हमारा हो गया फाइनली, एंड अभी बादल बहुत हो रहे हैं गाइस, ये देखो गाइस बादल ही बादल। तो ऊपर जाके देखते हैं मंथन है कि नहीं। जल्दी चलो। ओके सो गाइस, ये रहा हमारा मंथन आ गया है। ओ साया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी पतंग लाया उत्तराण के लिए बोल भाई। ये थोड़ा शर्मा रहा है। तो गाइस, हम लोग ऊपर आ गए एंड यहाँ पे बादल ही बादल हो रखे हैं पूरे। मकर संक्रांति पे पता नहीं क्या सीन रहेगा अभी, एंड पतंग ऊपर जाए तो भीग जाएंगे शायद धुम्मस की वजह से, क्योंकि पूरा वो धुम्मस ही धुम्मस होगा वहाँ पे, फॉग ही फॉग होगा, तो इसलिए भीग ना जाए। मतलब देखते क्या सीन रहता है मकर संक्रांति पे। यहाँ पे मंथन खड़ा हुआ है, फिलहाल बातचीत चल रही है मकर संक्रांति की। पतंग पतंग ये कुछ बोल ही नहीं रहा बट के मेरे के सामने, कुछ बोल भाई। ओके मंथन, पतंग कितने लाया भाई? एक पौड़ी। एक पौड़ी। और फिरकी? फिरकी एक हज़ार वाला है ना। ओके गाइस, तो अभी ये बोला थोड़ा, ओके धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएगा कोई बात नहीं। एंड ये मंथन का दूसरा दोस्त आ गया है, क्या नाम आपका? थ्रूविल। गाइस, आपको आती है पतंग उड़ानी? ओके पतंग लाया आप? ओ नहीं, मकर संक्रांति के लिए। हाँ? कितनी लाया? अभी तो बहुत सारी। बहुत सारी मतलब? अभी 50 ऐसे तो लानी है। 50 लानी है। और मंथन आपको कितनी लानी? एक कौड़ी। एक कौड़ी, एक कौड़ी में कितनी आती है? एक कौड़ी में 20 लिया। 20 आती है या 30? मुझे भी नहीं पता गाइस। एंड 20 आती है ना। खाली खाली फोटा पा रहा ये देखो गाइस, मंथन इतने छोटे छोटे बच्चों को गाइस पतंग उड़ानी आती है, सीख रहे हैं, सीख रहे हो ना आप? क्या आती है? मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मैं छोटा था गाइस तब बहुत पतंग उड़ाई, बहुत मतलब उड़ गई भाई, उड़ गई, गिर गई भाई उतीले। आती है उड़ानी आती है। ये पतंग बंदा चगा रहा है, देखो ये निमित भाई कैसे पूरी पतंग खींच डालते हैं। और ये हमारा अशी आला दोस्त, ये देखो गाइस अभी कितनी सारी। ये देखो ये गिरा 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 ये पतंग, देख रहे भाई ये देखो। आपका नाम क्या है? मंथन। मंथन धन धन पायो। ये देखो वो बंदा भी चका रहा है, वो क्या दिखा रहा है कैसे। ये देखो पूरी पतंग ऐसे करके ऐसे। ये देखो गाइस, मंथन की पतंग गिरा दी फिर गिर गई। आ गई मंथन ऐसा ये गई। कुमर पतंग है गाइस, कुमर या भाई पतंग उड़ाने के मास्टर है। और मंथन को अभी नहीं आती ना, मंथन गिरा दी थी मंथन ने। ये गाइस देखो कैप्टन अमेरिका की हुआ, गाइस कैप्टन अमेरिका की डीसी ये निकालने को कह रहे मंथन। गाइस कैप्टन अमेरिका को जब जरूर पड़ेगी तब हमें देनी नहीं है वापस, तो ये निकालने की बात कर रहा है मंथन। गाइस ये देखो गाइस, डोरी में क्या क्या जान दे रहे हैं ये लोग। ये क्या किया? तो गाइस अभी का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है, कभी धूप तो कभी छाव। अब ये बादल आ गया बीच में, बादल कितने मस्त लगता है गाइस। गाइस मंथन अभी लेने गया पतंग, वो क्या है मेरे पास सारी फटी हुई पतंग है, तो मैंने कहा ला दे, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ सब पतंग का,
तो लेने गया, पता नहीं कैसी लेके आएगा। ऐसी पतंग कौन देखो गाइस, कैसी पतंग लेके आए, इसका ऑपरेशन हो सकता है क्या, देखते हैं। चलो अभी हमारे भैया ये देखो गाइस, पतंग को कितनी सारी ये पतंग इसकी है, और ये भैया अपने ठीक कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे आपको मैं मेरा फेस रिवील करके दिखाता हूँ। अबे मुझे पकड़। पतंग का ऑपरेशन हो गया फाइनली। ये देखो गाइस, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से लकड़ी लगानी पड़ी एक्स्ट्रा और सेलो टेप। सो गाइस फाइनली हो गया ऑपरेशन। ये चेक कीजिए गाइस, टैप ही टैप है पूरी पतंग पे, टैप ही टैप, टैप ही टैप पर। लेट्स गो, इसे उड़ाते हैं, कैसे उठती है या नहीं देखते हैं। गाइस ये देखो, भैया ये देखो पतंग चगाते हैं, और फाइनली उड़ गई है पतंग। ओके सो गाइस, अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि बहुत ही धूप हो रही है यहाँ पे, हम नहीं रुक सकते गाइस। ये छोटे छोटे बच्चों को तो एक्साइटमेंट बहुत होता है मकर संक्रांति का, हमें भी था कभी शौक, बट अब इतना नहीं रहा। तो चलते हैं गाइस नीचे, थोड़ा काम है, एडिटिंग थोड़ा करनी है तो वो करते हैं आज के ब्लॉग के लिए, मतलब जो कल मैंने शूट किया था वो ब्लॉग गाइस। ओके सो गाइस, व्हाट्सअप दोपहर को मैं सो गया था थोड़ा, क्योंकि सिर बहुत दर्द कर रहा था गाइस, आई डोंट नो। ओके तो अब जाके उठा हूँ मैं फाइनली, अभी बजे 5:30, और मैं सोच रहा हूँ हम जाते हैं वहाँ नानी के घर, तो चलते हैं गाइस। ओके लेट्स गो, क्योंकि मम्मी और वो मेरी बहन सब वहाँ है, तो हम चलते हैं वहाँ, लेट्स गो चलते हैं। हम लोग निकल गए फाइनली, हुडी डाल दी मैंने क्योंकि यार ठंडी बहुत लग रही है इसलिए, तो यहीं पास में ही है मेरा घर, तो चलते हैं गाइस। मेरा घर नहीं, नानी का घर, सॉरी। गाइस पतंग काफ़ी सारी उड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दुकानें वुकानें सब लगी हुई है हमारे घर के सामने। और गाइस ये एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। वो देखो गाइस पव्या क्या कर रहा है, वो देखो पव्या, चलो जाके देखते गाइस। ओके तो गाइस ऊपर जाते हैं जल्दी, लेट्स गो। और ये देखो गाइस, ये रहा हमारा पव्या, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और ये देखो गाइस हमारा बाजू वाला, ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अरे कितनी काटी पतंग, ओ चश्मा वाले अंकल कितनी काटी। अरे भाई साहब क्या कर रहा है, अभी तो पेचा भी नहीं और खींच खींच कर रहा है गाइस, ये देखो। और यहाँ भव्य ने पतंग उड़ा दी है हमारे, उड़ना आता है क्या। और सनसेट पैसा, ऑल टाइम फेवरेट माय सनसेट एंड सनराइज, और कलरफुल स्काई भी पैसा। आज का मौसम देख लीजिए गाइस, अच्छा रहेगा, बहुत गंदा भी नहीं रहेगा। क्या बोला फिर से बोल, कुछ भी नहीं। क्या यार ये क्या बोल रहा है, कुछ भी मतलब। और भव्य की पतंग यहाँ से आगे नहीं जा रही, एंड हमारी दुकान है हमारे घर के सामने बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, यहाँ से लेकर वहाँ तक गाइस। और हमारे ये बाजू वाले ने एक पतंग काट दी है, और ये देखो गाइस हेड ने भव्य की पतंग काट दी है, और ये लड़ने जा रहा है वहाँ, क्या कर रहा है, कटका डोरी काटने जा रहा है भव्य भाई क्या। एंड गाइस मैंने वो लड़के की पतंग लेके उड़ाई तो मेरी पतंग कट गई गाइस। और भव्य यहाँ पे कचरा साफ करता हुआ हमारा, कचरा नहीं है, गुड बॉय गुड बॉय। तो क्या है,
और गाइस वहाँ पे देखो जिम करते हुए पतंग उड़ा रहा है। ये पतंग उड़ाने आया है या जिम करने आया है भाई साहब। एंड यहाँ पे पतंग कटी हुई और डोरी लपेटता हुआ हमारा हेड। और भाई देखो ये भव्य ने तो पूरा क्लीन कर दिया। गुड बॉय गुड बॉय। खत्म टाटा बाय बाय गया। ओके सो गाइस चलते अभी नीचे हम। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी घर क्योंकि लाइट वहाँ चली गई थी हमारे घर शायद होगी लाइट। देखते हैं जाके। ओके सो गाइस हम लोग घर पहुँच गए। बाय द वे यहाँ लाइट है। एंड गाइस अभी मम्मी बना रही है खाना तो तब तक थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग कर लेते हैं। एंड फ़ोन की बैटरी भी लो है तो वो भी चार्ज कर लेते हैं हम। तो मिलते हो गाइस थोड़ी देर में होंगे। ओके सो गाइस खाना हमारा बन के रेडी हो गया। मम्मी ने बनाया है दूधी के गोटे और चाय मैंने फिनिश कर दी गाइस बाय द वे। ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग। कल का ब्लॉग मैं आज एंड कर रहा हूँ बिकॉज कल मैं एडिटिंग में फंस गया था गाइस। एडिटिंग किया और VN से सीधा सेव किया। बाय द वे सेव कर मैं 3 बार सेव किया मैंने VN से फिर भी नहीं हो रहा था गाइस। 3 बार सेव पहली बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ और तीसरी बार गाइस हुआ सेव VN से। और सेव होने में गाइस करीबन 1-1.5 घंटा लगता है। तो गाइस मैंने आज सुबह 6 बजे गाइस ब्लॉग अपलोड किया मैंने अपना। तो VN की बहुत ही दिक्कत है गाइस। एंड अभी मैं उठाऊँ 10 बजे गाइस। 6 बजे अपलोड किया और फिर मैं सोया तो अभी 10 बजे उठाऊँ। एंड हाँ गाइस अब वो ब्लॉग जरूर देखना वो फ्लावर शो वाला। सो आज का ब्लॉग भी अभी स्टार्ट करना है तो मिलता हूँ गाइस। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलता है जल्दी दूसरे ब्लॉग में। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर बाय।